हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं आज आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेकर। और देखिए, आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अभी हम हैं बिस्तर में, उठ चुके हैं, और हमारा नन्ना मुन्ना तेजस भी उठ चुका है। हाय कह दो तेजस, हाय कह दो, पापा दिख रहे ना। तो हम उठ चुके हैं और आज हमें जाना है घर को। तो अभी मौसम तो खुला नहीं है क्योंकि यहाँ पे जंगल है और इसलिए काफ़ी अंधेरा अभी हो रहा है। पापा, पापा है ना? हाँ, देखो तेजस बोल रहा है पापा। पापा बोलना सीख गया है तेजस अब। तेजस, और तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करें कि आपको तेजस कैसा लगा और हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं उठ चुका हूँ और अब मैं जाऊँगा यहाँ से बाहर की ओर, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि बाहर मौसम कैसा हो रहा है। उसके बाद हम जाने वाले हैं, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, और तेजस किसके हाथी साथ बैठेगा। हाथी तो मैं तेजस को थोड़ी देर दिखाता हूँ, हाथी। और क्योंकि तेजस को हाथी काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है तेजस को हाथी और गैया दोनों चीज़ें। तेजस देखता है दोनों चीज़ें, हाथी और गैया। गाय गैया भी देखता है ना, गाय गाय भी देखता है हमारा बहुत। हाथी। हाथी भी देखता है, देखिए आपको बता रहा है, हाथी भी देखते हैं और गैया भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे व्लॉग में अंत तक। तो मिलते हैं बाहर आपसे। तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर, इसको पहले दिखा देता हूँ हाथी। तो फ्रेंड्स, मैं हो चुका हूँ रेडी, देखिए। और ये भी होती हैं, हो चुकी हैं मिसेस जी रेडी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं हो चुका हूँ रेडी जाने के लिए। बस मुझे अभी जैकेट पहननी है, मैंने बनियान वगैरह सब कुछ पहननी है, स्वेटर वगैरह। और यहाँ पे बैठ चुका हूँ, यहाँ पे आग जला दी है काफ़ी अच्छी पापा ने। और ये देखिए ऊपर है गाड़ी, बस थोड़ी देर में अभी हम निकलेंगे, अभी टाइम है। और ये देखिए भुट्टू महाराज सुबह सुबह सेक रहे हैं आग, और इतनी ज़बरदस्त आग जली है यहाँ पे। ये देखिए भुट्टू सेक रहे हैं सुबह सुबह आग। बैठ रहा था उनके सामने। हैं हैं, हाँ भुट्टू दादी है, ये 18 साल के हो चुके हैं और अब इनका एक पैर काम नहीं करता है, ये हो चुके हैं बुड्ढे। और देखिए कितनी ज़बरदस्त आग जली है और ये सेक रहे हैं इसको। और मौसम देखिए कितना शानदार सुनहरा मौसम आज हो रहा है, कहीं से कहीं तक एक भी बादल नहीं है। और ये पापा आ रहे हैं अंदर से कुछ काम करके, वो भी बैठ जाएंगे यहाँ पे, वो भी बैठते हैं भुट्टू के साथ, आग सेकते हैं रोज़। और ये देखिए मेरा बैग हो चुका है रेडी। ये देखिए अब हो रहा है तेजस रेडी, और वो देख रहा है अभी मोबाइल फ़ोन में अपना कार्टून। और यहाँ पे देखिए पापा ने भी खाना खा लिया है, खा रहे हैं। और बस थोड़ी देर में जैसे ही पापा खा लेंगे तो हम लोग निकलेंगे। और देखिए भोटू भी उनके साथ साथ खा रहा है, ठंडा भी हो रहा है भोटू को और खाना भी खा रहा है वहीं पे बैठ के। अब आग हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म। तो अब मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी और बस निकलने ही वाले हैं। पापा खाना खा रहे हैं, मैंने खाना खा लिया है और मिसेज खाना खा रही है, तेजस भी कुछ खा लेगा। तो हम इसके बाद जैसे ही धूप आएगी हम निकल लेंगे, गाड़ी ऊपर रुकी हुई है तो बस थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। देखिए पापा ने भी खाना खा लिया है और अब देखिए यहाँ पे आग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी अच्छी आग जली थी सुबह। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, भोटू है मेरे पास, मेरे साथ बैठा हुआ है भोटू, अब मुझे पहचान चुका है। तो भोटू को लग रहा है कि अब मैं भी उसके घर का ही सदस्य हूँ। ये देख भोटू, ये देख, ले ले ले, ये ले ले, देखिए वो देख रहा है। ये देखिए सैम देवता का मंदिर, ये मैंने आपको दिखाया था पहले। और इसके बाद देखिए घर की लोकेशन जाते जाते एक बार फिर से, और सूरज भगवान आ चुके हैं सामने से। देखिए कितनी अच्छी रोशनी आ रही है उस जंगल से। और अब जाना है हमें इस ओर, तो हम चल चुके हैं इस रास्ते से। ये देखिए वो लोग आ रहे हैं पीछे से और मैं आ चुका हूँ पहले। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आज, तो पैदल पैदल गाड़ी के रोड तक जाने का मज़ा ही कुछ और है। गाड़ी है बहुत ऊपर लेकिन लगता है कि जैसे यहीं पे है, मैंने आपको जूम करके दिखाया था।
देखिए अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से, रास्ता काफ़ी घना है। पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में। क्या मज़ा आ रहा है यहाँ से चलने में। और ये बैठे यहाँ पे आराम कर रहे हैं। एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये भी नहीं जाने वाली और ये भी नहीं जाने वाली। अब देखना है कौन सी गाड़ी आएगी, या हमें पैदल ही जाना पड़ेगा आगे को, या फिर कोई गाड़ी मिलती है। ये देखिए यहाँ से सामने का व्यू काफ़ी अच्छा है, उधर से आए थे हम। चलो चलो मम्मी के पास, चलो मम्मी के पास, उल्टा आ रहे हो, उधर को चलो, उल्टा चलो। तो हम लोग आ चुके थे जल्दी और अभी कोई भी गाड़ी नहीं जाने वाली दोनों में से, तो थोड़ा ही जाना है तो हम पैदल पैदल ही चल पड़े हैं धीरे धीरे। और तेजस हैं मेरे साथ और आगे से हैं पापा, पीछे से हैं मिसेज। तो देखिए अब हम पैदल चल पड़े हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ा कम से कम यहाँ से 20 मिनट का रास्ता होगा, तो 20 मिनट में हम पहुँच जाएँगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, वैसे तो पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं, पैदल चलना काफ़ी अच्छा है सेहत के लिए। तो ये देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है पैदल जाने में, और मैं तो काफ़ी स्पीड से ही चलता हूँ, लेकिन और लोग थक जाएंगे। और देखिए यहाँ पे जानवर भी हमें मिल रहे हैं, गाय यहाँ की गांव की चर रही हैं, सुबह सुबह आ चुकी हैं जंगल में चारा ढूंढने। और ये देखिए यहाँ पे एक गाय खड़ी है और ये दूध भी देती है, ये देखिए यहाँ पे खा रही है। और ये देखिए ऊपर से भी कुछ गाय आ रहे हैं, तो डर की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे गाय मिल ही जाती हैं। और देखिए इतनी सारी गाय आ गए यहाँ पे खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके बीच से जाने में। और मैंने वीडियो बना ली है इनकी, ये देखिए व्लॉग इनका भी मैंने ले लिया है। तो अभी इस समय मेरा मोबाइल काफ़ी हिल रहा है क्योंकि हाथ में मोबाइल भी है और चल भी रहा हूँ, इसलिए तो थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए थोड़ा हिलता हुआ आएगा। तो ये देखिए रात को यहाँ पे बाघ ने खोद रखा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसे देखना नहीं चाहिए, अभी तो है नहीं, निकल लेते हैं, जंगल ही है, बाघ भी मिल सकता है, कोई पक्का नहीं है, लेकिन अभी तो हम 3-4 जने हैं, बाघ भाग ही जाएगा देख कर, डर जाएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी दूर आ चुके हैं हम, और मैं तो कंटिन्यू चल ही रहा हूँ, धूप भी आ चुकी है, मौसम ठंडा था सुबह और अब तो चलने के मारे काफ़ी पसीना हो गया है और गर्मी भी होने लगने लगी है। अब पानी तो मैं लाया नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर पे आने वाली है सड़क और पहुंच जाएंगे हम सड़क पर। तो बने रहिए आप व्लॉग में अंत तक, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। देखिए जंगल का वातावरण है काफ़ी अच्छा और शुद्ध वातावरण यहाँ पर, ये देखिए सामने आगे से जंगल कितना मस्त लग रहा है। तो ये देखिए 3-4 जने और हैं हमारे साथ, वो पीछे ही रह गए हैं, काफ़ी दूर हैं, और बस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे एक पुल पे। यहाँ पे आएगी एक पुल, बड़ी सी पुल है और सड़क है, मैं कोई गाड़ी तो दिख नहीं रही आने जाने वाली, कम ही गाड़ियाँ हैं क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा गाड़ियाँ आती भी नहीं हैं। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं पुल में, काफ़ी बड़ी पुल है, ये देखिए जंगल के बीच एक बड़ी नदी और उसके ऊपर एक बड़ा सा पुल, इस पुल को
पार करने के बस बस 10 मिनट का रास्ता हमारा बच गया है और हम थोड़ी ही देर में सड़क पर पहुंच जाएंगे। इससे भी मेन सड़क यहाँ पे एक और है, तो ये तो है घुड़ाखाल वाली रोड और इसके बाद एक और सड़क यहाँ पे आएगी जो है नैनीताल रोड। अभी हम पहुँच जाएंगे नैनीताल रोड में। तो पापा पीछे रुक गए हैं उन लोगों के लिए, मैं चल रहा हूँ लगातार। Open eyes, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. तो ये देखिए यहाँ पे नदी पड़ती है और ऊपर से काफ़ी पानी आ रहा है और यहाँ पे सड़क पर भी काफ़ी पानी आया है। गाड़ी वाले यहीं पर अपनी गाड़ियाँ भी धोते हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ, ऊपर से आ रहा है ये पानी, पेड़ की जड़ों से आता है। ये देखिए काफ़ी यहाँ पे ऊपर से इतना तेज़ पानी आ रहा है और यहाँ पे गाड़ी हाड़ी भी धोते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया है, देखिए इस दीवार से ऊपर से इतने ऊपर से ये देखिए ये पानी आ रहा है पेड़ की जड़ से। तो काफ़ी अच्छा सीन यहाँ पे लग रहा है। माँ के कितना रहे हो? काफ़ी ज़्यादा कुत्ते हैं यहाँ पे, उनसे डर लग गई थी, बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं यहाँ से भवाली, पहुँच चुके हैं घर और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ सीन, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग होता है समाप्त। मिलते हैं जल्दी ही न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। Open eyes, feel the waves cut through me, hypnotized.